मॉनसून एक बार फिर झूम कर लौटा है और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चल पड़ा है। दिवाली आने वाली है लेकिन कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। दरअसल कई राज्यों से मॉनसून विदा ले लिया है लेकिन अभी भी कई राज्यों में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के चलते बारिश देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग आज भी कुछ जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। इसी कड़ी में आज भी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई पड़ोसी राज्यों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। आईएमजी के मुताबिक 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए नदियों नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक यूपी बारिश का ये सिलसिला 8 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक जारी रहेगा और 9 अक्टूबर को बारिश से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।